नमस्कार, मैं बॉबी जहां एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव 2019 जाने क्या है महाराष्ट्र के 48 सीटों का रुझान। लोकसभा चुनाव 2019 के रुझानों में अभी एनडीए काफी आगे चल रही है। अभी तक 504 सीटों के रुझान आ गए हैं। 307 सीटों पर एनडीए, 116 पर यूपीए तथा 82 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बात करें तो वाराणसी की, तो वहां से नरेंद्र मोदी 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसमें अमेठी से राहुल गांधी की हार नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर से बीजेपी आगे चल रही है, वहीं बारामती सीट से सुप्रिया सुले आगे चल रही। महाराष्ट्र की ठाणे सीट पर चल रही है शिवसेना। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन है। यहां मुख्य मुकाबला शिवसेना और बीजेपी गठबंधन का एनसीपी और कांग्रेस से है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस को बढ़त। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गुरुवार को ही रही मतगणना से शुरुआती रुझान में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आज हो रही है मतगणना। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आज हो रही है मतगणना के शुरुआती रुझान में वाईएसआर कांग्रेस आगे चल रही है। वाईएसआरसीपी 46 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ 14 विधानसभा सीट पर आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी और तेदेपा 5-5 सीटों पर आगे चल रही है। प्रदेश की 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर क्या उत्तर मुंबई से कांग्रेस को दिला पाएगी जीत, फिलहाल चल रही है पीछे। लोकसभा चुनाव परिणाम के रुझान तेजी से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी का डंका नजर आ रहा है। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इस बार कांग्रेस की टिकट पर उत्तर मुंबई से चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से गोपाल सेट्टी मैदान में है। इस सीट से 2004 में गोविंदा ने राम नाइक जैसे मंझे नेता को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी। यही वजह है कि इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। क्या उर्मिला गोविंदा की तरह कोई करिश्मा करेगी या फिर गोपाल सीट से आसानी से पराजित कर देंगी। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें उर्मिला गोपाल सेट्टी से पीछे नजर आ रही। वैसे अभी रिजल्ट तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उर्मिला किस हद तक गोपाल सेट्टी को टक्कर दे पाती है या गोविंदा की तरह कोई उलट फेर करने में कामयाब हो पाती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।